मिर्ची बॉलीवुड। करियर शुरू करने वाली टीवी एक्टर सुरभि ज्योति को आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। टीवी की ये नागिन आज हर घर में अपने इस रोल के लिए फेमस हो गई है, हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल भी। 29 मई 1988 को पंजाब के जलंधर में जन्मी सुरभि ने पंजाबी फिल्म इक्वड़ी पंजाबी से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद करियर को नई दिशा देने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां उन्हें पहला ब्रेक जी टीवी के शो कबूल है से मिला। सुरभि की किस्मत कहे या फिर उनकी मेहनत का फल, अपने पहले ही शो से लोग उन्हें पहचानने लगे और धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। इसके बाद उन्हें इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज टशन इश्क और प्यार तूने क्या किया जैसे रियलिटी शोज के भी ऑफर आए, लेकिन साल 2018 में आए एकता कपूर के सुपर नेचुरल शो नागिन 3 में लीड रोल मिलने के बाद मानो उनकी पूरी जिंदगी ही पलट गई, जिसका नतीजा ये रहा कि उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होता रहा और उनकी सैलरी में भी। पहले जहां सुरभि एक शो के हर दिन के शूट के लिए 60 से 70 हजार तक सैलरी लेती थी, वहीं अब उन्हें नागिन 3 के हर एपिसोड के लिए 70 हजार से 1 लाख रुपए तक मिलते हैं और महीने के 25 दिन काम का हिसाब लगाए तो वो महीने भर में 18 से 20 लाख तक कमा लेती हैं। इसके अलावा सुरभि के पास हुंडई की वरना कार है और मुंबई में घर भी, जिसे मिलाकर उनकी पूरी नेटवर्थ $1.5 मिलियन है। इसके अलावा सुरभि को अपने अलग अलग रोल और बेहतरीन काम के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, जो बताता है कि टीवी इंडस्ट्री में उनका ये सफर काफी लंबा होने वाला है। पर आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और छोटे पर्दे से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।